गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने अलाइड एंगल के फार्मूले पढ़े थे, जिसमें हमने साइन और कोसाइन वगैरह के एंगल्स बनाए थे। तो आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 10.1, जिसमें हमने इन फार्मूलाज को यूज़ करना है कि कैसे ये क्वेश्चन के अंदर ये अप्लाई होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसका फर्स्ट पार्ट है साइन -780°। सबसे पहले इसमें ये माइनस आया हुआ है, तो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि साइन माइनस थीटा जो है वो इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि इसका माइनस जो है वो शुरू में आ जाता है। पहले हम इसके इसके फॉर्म में लिखेंगे कि माइनस साइन 780° आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमने इस साइन 780° की वैल्यू बतानी है। तो उसके लिए हमने ये क्वाड्रेंट पढ़े थे 4, जिसमें 90° है, या इसको कहते हैं हम π/2 कहते हैं। इसके अलावा 180° है, या हम इसको कहते हैं पाई। फिर 270°, या हम इसको कहते हैं 3π/2। फिर 2π है, या इसको हम कहते हैं 360°। इन चारों क्वाड्रेंट के एंगल को यूज़ करना है किसी एक को, हमारे पास ये 780 वैल्यू आनी चाहिए। तो हम पहले चेक करते हैं कि 780 आएगा कैसे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 780 को अगर हम डिवाइड करवाएं, सबसे छोटी वैल्यू है हमारे एंगल है हमारे पास 90 का, 90 पे डिवाइड करवाएं, ये आएगा 98/780 आ जाएगा ये, तो 720 आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें ये बाकी रिमेनिंग क्या बचेगा, ये 60 बचेगा। अब हम इसको लिखते हैं माइनस साइन 8 × 90 + 60°। अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं माइनस, हमें 90 की वैल्यू पता है, 90 की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है, ये हमने π/2 पुट कर लिया इधर, +60°। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 8 आ जाएगा ये, तो यह आ जाएगा माइनस साइन 4π + 60, ठीक है। अब हमने इसको फार्मूले की शेप देनी है। फार्मूले की शेप कैसे देनी है, हमने जो फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला हमने पढ़ा था साइन π/θ, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, ये माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है ये, ठीक है। ये एक फार्मूला हमने पढ़ा है। अब हमने इस फार्मूले को इसमें कैसे, ये यहाँ पे जो 4 आया हुआ है, ये इसको हमने क्वाड्रेंट के तौर पर यूज़ करना है। वो कैसे यूज़ करेंगे कि ये हमारे पास ये आ गया पाई, ठीक है, उसके बाद ये 2π, फिर ये इसके बाद ये 3π, और फिर ये इसके बाद ये 4π। 4π के बाद क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, प्लस होकर किधर जा रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास, ये थीटा कंसीडर होगी, तो हम इसको लिख के माइनस साइन क्या आ जाएगा, ये 60°, ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक जो है ये, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, -√3/2 आ जाएगा ये। तो ये इसका जो फर्स्ट पार्ट जो है कम्प्लीट हो जाएगा ये। इसके बाद आ जाता है सेकंड पार्ट आगे। सेकंड पार्ट में वैल्यू लिखी है कोटेंजेंट -855°। सेकंड पार्ट है कोटेंजेंट -855°। तो इसको अगर हम चेंज करें, सबसे पहले एक तो इसका हम पैसा से माइनस ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये भी इसका माइनस भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। हम क्या लिखेंगे, कोटेंजेंट ऑफ -θ इज इक्वल टू -cotθ। इसको हम लिखेंगे -cotangent 855°। अब cot थीटा की वैल्यू क्या होती है,
ये होती है 1 ओवर टेंजेंट थीटा। हम इसको इसमें चेंज कर लेंगे, ये माइनस ऊपर ही रहेगा, -1 ओवर, नीचे जाके ये टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट 855 डिग्री। अब हमने 855 डिग्री की वैल्यू जो है ये निकालनी है, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इसको डिवाइड करेंगे 855 को, सबसे छोटा एंगल है हमारे पास 90 डिग्री, 90 डिग्री पे जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 99,810 आ जाएगा ये। बाकी क्या बचेगा, इधर 45 बचेगा ये, तो इसको हम लिखेंगे -1 ओवर टेंजेंट 9 × 90 +45 डिग्री। अब हमें कैसे पता चलेगा हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पहले हम इसको चेंज करते हैं 90 को, 90 की वैल्यू होती है π/2, इसको हम लिखते हैं -1 ओवर टेंजेंट 9 × 90 की वैल्यू क्या है, π/2 +45 डिग्री। तो इसके बाद ये आ जाएगा, -1 ओवर टेंजेंट ये आ जाएगा 9π/2 +45 डिग्री। अब ये देखें, हमने मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑड मल्टीपल आएगा, यानी कि 1π/2 है, 3π/2 है, 5π/2, 7π/2, 9π/2, ये क्या है, ये हमारे पास ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, जब भी ये आएगा तो ये टेन को चेंज कर देगा, किस में, कॉट में चेंज कर देगा, पहली बात। दूसरे नंबर पे हमने ये देखना है कि इसका जो ये 9π/2 ये कैसे आएगी क्वाड्रेंट के अंदर, तो क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या करना है, इधर यार 9 × π/2, इसको अगर हम ऐसे लिख लें मरीज साहब आसानी के लिए, कि 9 × π/2, तो यहाँ तक ये 1π/2, ये 2π/2, ये 3π/2, ये 4π/2, हमने कहाँ तक जाना है, 9 तक जाना है, फिर 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, यहाँ पे आता है 9π/2, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, प्लस होकर किस में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब फार्मूला क्योंकि हमने पढ़ा था कि टेंजेंट अगर π/2 + थीटा आ जाए तो वो किस में होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी टेन π/2 + थीटा किसी होता है, माइनस कोटेंजेंट थीटा के इक्वल होता है ये, ठीक है। आ जाए इसके ये मुताबिक माइनस कॉट थीटा आ रहा है, इसको हम लिखेंगे माइनस कोटेंजेंट 45 डिग्री, ये वाला माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये 1 ओवर कोटेंजेंट 45 डिग्री, और 1 ओवर कॉट किसके इक्वल होता है, ये टेंजेंट 45 के इक्वल होता है, तो टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आंसर इसका ये। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कोसिकेंट 2040 डिग्री, थर्ड पार्ट, कोसिकेंट 2040 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, पहले हम ये कोसिकेंट आया, कोसिकेंट बोल तो साइन का, पहले हम इसको साइन में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने साइन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, हम इसको साइन में चेंज करेंगे साइन 2040 डिग्री। अब हमने इस 2040 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, सबसे छोटा एंगल है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है, तो 90 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके करीब तीन आ जाए, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास, अगर हम इसको 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाता है 1980। ये हमारे पास बाकी वैल्यू क्या बच जाएगी इसकी, ये आएगी हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। तो अब इसके बाद
इसको हम लिखेंगे 1/sin 22 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 60। अब ये वैल्यू आ रही है, अब ये पता हमें पता कि यहाँ पे क्या आ रही है, 90 डिग्री। हमने इसकी 90 की वैल्यू पुट करें अगर फार्मूला बनाने के लिए, तो हम लिखते हैं 1/sin 22 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 2 प्लस 60। तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। इसका मतलब है 1/sin 11 पाई प्लस 60, मतलब हमने साइन वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये पाई आ जाए तो पाई पे साइन जो है वो चेंज नहीं होता, वो साइन ही रहता है। तो इसके बाद हमने पहले इसका बताना है क्वाड्रेंट, क्योंकि हमने उसमें इसका साइन लगाएगा सबसे पहले, साइन कौन सा आता है इसका। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है, ये हम अगर इसका क्वाड्रेंट बनाएं तो कह रहा है 11 पाई तक जानना हमने, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ही होता है 1 पाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पाई हो गया ये, फिर घुमाया तो ये 3 पाई, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11 यहाँ पे आ रही है 11 पाई। उसके बाद क्या आ गए, प्लस का साइन है, तो इसका मतलब प्लस होके ये किस में जा रहा है, ये थर्ड में जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। फार्मूला हमने कौन सा पढ़ा था इसका, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहाँ पे जितनी मर्जी वैल्यू आ जाए, 11 आए, 12 आए, 13 आए, हमने इसको देखना है, ये हमारा फार्मूला कंप्लीट करेगा, पाई प्लस थीटा बनेगा। ये क्या हमारे पास, ये थीटा लिखा हुआ है, तो हम इसको लिखते हैं माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या उधर 60 डिग्री। इसको हम लिखेंगे 1/ माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस 1/ साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास अंडर रूट 3/2 होती है, ये आ जाएगा माइनस 1/ अंडर रूट 3/2। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो माइनस 2/ अंडर रूट 3 बन जाएगा ये। इसके बाद आ जाता है आगे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, सेकंड माइनस 960। सेकंड माइनस 960 डिग्री। अब सबसे पहले तो हम इसको चेंज करेंगे, अगर सेकंड दिया हुआ है माइनस में तो चेंज हम करते हैं, अगर 1/cos माइनस 960 डिग्री। तो यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि cos के साथ अगर माइनस आ जाता है तो वो माइनस अपना ख़त्म कर देता है, तो ये क्या बचता है, खाली cos थीटा बचता है। इसका हम लिखेंगे 1/cos 960 डिग्री। अब हमें 960 की वैल्यू निकालनी है, तो 960 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 90 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है, 960 डिवाइडेड बाय 90, यानी कि 90 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से करें, तो ये आ जाएगा 900, और बाकी क्या बचेगा हमारे पास 60। हमने इसे करीब 3 जाना होता है, करीब 3 एंगल पे, तो ये इसको हम लिखेंगे 1/10 तो रिकॉज इधर क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 60। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 90 की वैल्यू पुट करते हैं, cos 10 इंटू 90 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2 प्लस 60। तो ये अगर हम इसको कैंसिल करें तो क्या बन जाता है, ये 5, मतलब अब हमारे पास क्या आएगा, 1/cos 5 पाई प्लस 60। मतलब हमने यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट बताना है और उसके बाद इसका फार्मूला बताना है, तो क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है उसको यूज़ करेंगे हम। ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5 पाई प्लस थीटा, तो
हम इधर क्वाड्रेंट बनाते हैं इसका ये। अब हमने 5 पाई तक जाना है, ये यहाँ से लेगा यहाँ तक 1 पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, आगे क्या है 5 पाई, ये 5 पाई तक आ गया। इसके बाद आगे प्लस हो रहा है तो प्लस होके ये दूसरे में जाएगा, तो थीटा लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब कॉस का फार्मूला हमने यूज़ करना है, कौन सा फार्मूला यूज़ करना है ये देखिए। 5 को आपने इग्नोर कर देना, जो भी वैल्यू यहाँ पे इसको इग्नोर करेंगे, बाकी ये पाई बनेगा। ये क्या बनेगा, कॉस पाई प्लस थीटा, ये दूसरी वैल्यू थीटा बन जाती है। तो कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, ये माइनस कॉस थीटा होता है ये। ठीक है, अब ये फार्मूला हमने पढ़ा, जब पाई प्लस थीटा हो, और यहाँ पे 5 पाई प्लस थीटा किस में आ रहा है, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकेंड में कॉस क्या होता है, वो नेगेटिव ही होता है। हम इसको लिखेंगे नाउ, ये आ जाएगा 1/- cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होती है, इसको हम लिखेंगे 1/-1/2, 2 पर जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 ये -2 बन जाएगा, -2 और 1 होता है -2 के इक्वल। इसके बाद आ जाते हैं टेंजेंट। अगर नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये टेन 111 0, अब हमने इसकी वैल्यू लेके आनी है जो कि 90 पे हम डिवाइड करें, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ, ये आ जाता है 1080, तो बाकी बच जाता है 30। तो इसका हम पुट करते हैं इसमें टेंजेंट 12 × 90 + 30 डिग्री। पहले हम इसमें क्या करेंगे, जैसे बाकी क्वेश्चन में किया, 12 × 90 की वैल्यू होती है π/2 + 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये 6 बन जाएगा ये। तो टेंजेंट 6π + 30, अब हमें पहले ये 6π + 30 चार्ज करना है, क्वाड्रेंट में कहाँ पे आता है ये, इसको हम लिखते हैं ऐसे, ये 1π, 2, 3, 4, 5 और ये 6π यहाँ पे आ गया। प्लस होके किस में जा रहा है, ये फर्स्ट में जा रहा है, इसका मतलब है फर्स्ट में क्या, थीटा लाई इन, यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और राइट एंगल का फार्मूला कौन सा, यहाँ पे पाई आ गया, तो पाई पे टेन क्या होता है, वो टेन होता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, टेंजेंट पाई प्लस थीटा क्या होता है, वो माइनस और प्लस का के थर्ड क्वार्टर में जाता है ना ये, तो ये प्लस टेन थीटा आ जाएगा ये। अब थीटा की वैल्यू क्या है इसमें, ये 30 डिग्री क्या होता है, ये हमारे पास थीटा कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नौ टेंजेंट 30 डिग्री प्लस का, क्यों प्लस का है, क्योंकि थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/√3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट आ जाता है सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट में क्या कहता है, sin − 300, sin − 300 डिग्री। पहले हम इसका साइन को माइनस ख़त्म करेंगे, यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था हमने, sin − θ इज इक्वल टू −sin θ, ये क्या आ जाएगा, ये −sin 300 डिग्री। अब हमने 300 डिग्री की वैल्यू लेके आनी है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे, सबसे छोटा एंगल है हमारे पास 90, ये कितना आ जाएगा, ये 3 × 270, बाकी क्या बच गया, ये 30। इसको हम लिखते हैं −sin 3 × 90 + 30। ठीक है, तो −sin
थ्री इंटू पाई बाई टू प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखें, ये खुद ही फार्मूला बन गया। यहाँ पे कौन सा फार्मूला बनाइए, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, माइनस कॉस थीटा के। ठीक है, क्योंकि ये साइन 3 पाई बाई 2 है, तो 3 पाई बाई 2 पे साइन क्या होता है, चेंज होता है कॉस में, माइनस भी हुआ है क्योंकि थीटा जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे लिखेंगे थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम इसको लिखेंगे इस फार्मूले के मुताबिक, ये माइनस ये वैल्यू जब कन्वर्ट हुई है किस में, ये माइनस कॉस में, तो ये माइनस कॉस कितना आएगा, थीटा 30 डिग्री। तो माइनस और माइनस प्लस और कॉस 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 3 बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया इसका।